To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्ट थ्योरी। देखिए, इससे पहले जो टॉपिक प्लेलिस्ट में आपको ऊपर मिलेंगे वो आपको मिलेंगे शुरू में कंज्यूमर थ्योरी के। हमने कंज्यूमर थ्योरी को डिस्कस किया, कंज्यूमर थ्योरी एंड की हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। फिर हमने थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट किया, जिसमें हमने टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, आइसोकॉस्ट, आइसोकॉन्ट, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मिनिमम मैक्सिमम, ये सारी चीज़ें हमने प्रोडक्शन थ्योरी में देख ली। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट थ्योरी। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं कि कॉस्ट है क्या। कॉस्ट इज़ नथिंग बट वैल्यू ऑफ मनी दैट हैज़ बीन यूज्ड इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए असल में जो पैसा चाहिए उसे आप कहते हैं कॉस्ट, इसलिए यहाँ पर वैल्यू ऑफ मनी लिखा हुआ। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं कॉस्ट के लिए। नंबर वन एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड सेकेंड वन इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या चीज़ है? कॉस्ट which is actually be paid by the firm. Cost which is actually be paid by the firm. क्या मतलब हुआ इस बात का कि जो cost real term में pay होती हुई नज़र आती है, जो cost real term में pay होती हुई नज़र आती है। क्या मतलब हुआ कि एक्चुअली रियल टर्म में नज़र आती है? फॉर एग्जांपल, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, आपको वेजेस पे करनी है, यानी जो पैसा आपको पे करना है उसका आउटफ्लो नज़र आए, जैसे वेजेस, लेबर की वेजेस, कैपिटल का रेंट, फ्यूल कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये सारे वो पैसे हैं जो कि पैसे जाते हुए नज़र आते हैं। अगर आप अकाउंटिंग टर्म में बात करें तो बैलेंस शीट में आपको इसका आउटफ्लो नज़र आएगा। तो वो सारी की सारी कॉस्ट जो कि रियल टर्म में पे होती हुई नज़र आती है वो कहलाती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, विच इज़ कॉस्ट विच इज़ एक्चुअली बी पेड बाई द फर्म, पे किया जाता है फर्म की तरफ से रियल टर्म में, जिसका आउटफ्लो मौजूद हो। अब सवाल ये बात जहन में आता है कि फिर ऐसी बात है ना, कॉस्ट है तो आउटफ्लो तो मौजूद होगा, तो बगैर आउटफ्लो की कौन सी कॉस्ट होती है? देखें, एक्सप्लिसिट तो समझ में आ गई कि कॉस्ट विच इज़ एक्चुअली बी पेड बाय द फर्म, वो सारी कॉस्ट जो कि रियल टर्म में पे होती हुई नज़र आती है। ओके, दूसरी तरफ आ जाए इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब बिजनेस के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है इम्प्लिसिट कॉस्ट। की डेफिनेशन क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेस, यानी उन चीज़ों की कॉस्ट जो कि आप खुद ओन करते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्स यानी अगर अपने बिजनेस में आप खुद ही इन्वॉल्व हैं तो उसकी कॉस्ट। इसको एग्जांपल ऐसे समझें कि मेरा एक घर है, मैंने उसके दो फ्लोर्स बनाए हुए, ग्राउंड और फर्स्ट। पहले हम रहते थे वहाँ पर, हमने जो रेजिडेंस है वो फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट किया और ग्राउंड फ्लोर पर एक छोटा सा बिजनेस यूनिट बना दिया, कॉटेज इंडस्ट्री टाइप कुछ भी आप कह लें, वो हमने बना दी बिजनेस, स्मॉल बिजनेस के लिए। तो अब हुआ क्या कि अब इस घर का जो रेंट है वो हमें पे तो नहीं करना ना, रियल टर्म में तो पे नहीं करना, पैसा जाता हुआ रियल टर्म में तो नज़र नहीं आना, क्यों? अपना है। इस तरह की कॉस्ट को कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड रिसोर्स। मैंने अपना घर इस्तेमाल कर लिया, मैं दूसरी जो मेरी अपनी चीज़ें थी वो हमने बिज़नेस में इस्तेमाल कर ली, अपनी पोजीशन में थी वो अपने बिज़नेस में इस्तेमाल कर ली, तो ऐसी वो तमाम की तमाम चीज़ों की कॉस्ट कहलाती है कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड रिसोर्स। अब यकीनन मैंने अपना जो घर है वो बिज़नेस में इस्तेमाल कर लिया, अगर मैं उसको बिज़नेस में इस्तेमाल नहीं करता और कहीं रेंट पे दे देता तो मुझे कुछ ना कुछ वहाँ से अर्निंग हो जाती, वो अर्निंग मैं नहीं कर पा रहा। किसकी वजह से नहीं कर पा रहा? अपने बिज़नेस की वजह से नहीं कर पा रहा, तो हम ये कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड रिसोर्स। इस तरह आ जाए सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्स, मैं अपने बिजनेस को खुद ही लुक आफ्टर कर रहा हूँ, सारा दिन 8 घंटे 12 घंटे 16 घंटे जो चाहिए होते हैं मैं खुद अपने बिजनेस को दे रहा हूँ, ये सारा लुक आफ्टर मैं खुद कर रहा हूँ। अगर मैं ये नहीं कर रहा होता तो मैं कहीं और टाइम दे रहा होता, जब मैं कहीं और टाइम दे रहा होता तो मैं कुछ ना कुछ वहाँ से अर्न कर रहा होता। अब ये जो कहीं और से अर्न करना है जो कि मैं नहीं कर पा रहा, किसकी वजह से नहीं कर पा रहा? अपने बिजनेस की वजह से, तो इस तरह की कॉस्ट कहलाती है कॉस्ट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्स। तो दो तरह की कॉस्ट हो गई, कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड रिसोर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्स। दोनों तरह की कॉस्ट को रियल टर्म में पे नहीं किया जा रहा, मैं कोई सैलरी नहीं ले रहा। आप टैक्स बचाने के लिए चीज़ों के लिए लोग अकाउंटिंग उसमें दिखाते हैं, लेकिन अभी हम रियल सेंस में बात कर रहे हैं कि रियल टर्म में तो मैं सैलरी नहीं ले रहा, मेरा तो प्रॉफिट होगा, और रियल टर्म में मैं रेंट ले नहीं रहा क्योंकि मेरा अपना घर है। शो करना एक अलग बात है, टैक्स को कम करना, इनकम को शो करना, वो एक अलग बात है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे।
तो क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओनर सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्स, अपनी ही पोजीशन की चीज बिजनेस में इस्तेमाल करना और खुद को बिजनेस में इस्तेमाल करना, इन दोनों की जो कॉस्ट है ना वो रियल टर्म में पे नहीं की जा रही, लेकिन आप कुछ ना कुछ उनसे अर्न कर सकते थे और वो नहीं कर पा रहे। इस तरह की सारी कॉस्ट बिजनेस टर्मिनोलॉजी में क्या कहलाती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो कॉस्ट वैल्यू ऑफ मनी दैट हैज बीन यूज्ड इन प्रोडक्शन। नंबर टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट, कॉस्ट विच इज एक्चुअली बी पेड बाय द फर्म, वो पैसा जो कि रियल टर्म में पे होता हुआ नजर आ रहा है। इम्प्लिसिट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्स। तो ये तो थी बेसिक कॉस्ट की डेफिनेशन और उसकी दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो हम डिस्कस की। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं, फॉरगॉन वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। देखें एक बात तो ध्यान में रखें हैं कि किसी भी एक्शन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ये नहीं हो सकता कि किसी भी एक्शन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना हो। है क्या उसको देखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अभी क्या आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं ठीक है, और हम एक अपॉर्चुनिटी ले, वो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है वॉचिंग वीडियो, ये एक अपॉर्चुनिटी है जो आप इस वक्त अवेल कर रहे हैं। अगर आप वीडियो नहीं देख रहे होते तो क्या क्या काम कर सकते थे, फॉर एग्जांपल ऑफिस से आके लेजर आराम कर सकते थे ठीक है, इसके अलावा फैमिली को टाइम दे सकते थे, आउटिंग आउटिंग इसमें डिनर एंटरटेनमेंट सब आ गए ठीक है, और भी कुछ आप कर सकते थे। आप एक और लगा लेते हैं, पार्ट टाइम जॉब, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते। देखिए फॉर एग्जांपल ये वो पांच काम है जो आप इस टाइम पे कर सकते हैं, नंबर वन वॉचिंग वीडियो जो आप कर रहे हैं, नंबर टू लेजर, नंबर थ्री फैमिली टाइम, नंबर फोर आउटिंग, नंबर थ्री पार्ट टाइम जॉब। अब एक काम करते हैं, हम इन चीज़ों को मोनेटाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल लेजर की एज्यूम करते हैं मॉनेटरी वैल्यू लेट सपोज कितनी है, 500 एज्यूम्ड कुछ भी। फैमिली टाइम इसकी मॉनेटरी वैल्यू लेट सपोज 200 है, खैर होती नहीं है कोई लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं। आउटिंग इसकी मॉनेटरी वैल्यू फॉर एग्जांपल 1200 है, और पार्ट टाइम जॉब जिसमें इतने टाइम की जॉब जो आप देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसको हमने कर दिया 500। ये सिर्फ इतने टाइम की वैल्यू लिखी है जितने टाइम की वीडियो है बस। अच्छा ये सब एज्यूम्ड वैल्यूज़ हैं सिर्फ इन चीज़ों को मोनेटाइज करने के लिए। अच्छा अब आपने कहा कि भाई वॉचिंग वीडियो, यू आर नाउ वॉचिंग दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये भी तो एक नीड है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या पता लगनी चाहिए, उसके लिए ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ठीक है भाई। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप वीडियो नहीं देख रहे होते तो क्या कर रहे होते, देखें आपके पास ये जो 2, 3, 4, 5 है ना, ये सारे ऑप्शन है। अब ये सारे काम एक साथ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि आप लेजर में भी हो, लेजर भी इंजॉय कर रहे हो, उसी वक्त आप फैमिली को टाइम भी दे रहे हो, उसी वक्त आउटिंग भी कर रहे हो और उसी वक्त पार्ट टाइम जॉइनिंग, ऐसा नहीं हो सकता। इस काम के अलावा अगर आप देखें तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं लेकिन सब एक साथ नहीं कर सकते। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई अगर आप इस वक्त वीडियो नहीं देखते तो इन सब में से जो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है जो आप करते वो कौन सा करते, तो कोई बोलेगा भाई मैं आराम कर रहा होता, कोई बोलेगा मैं पार्ट टाइम दूसरी जॉब कर रहा होता, कोई आउटिंग पे जा रहा होता, कोई फैमिली पे जा रहा होता। तो एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर फैमिली टाइम, क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू देखूँ तो सबसे बेस्ट यही है, मॉनेटरी वैल्यू अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट वैल्यू इसी की है। तो क्या हुआ, वॉचिंग वीडियो तो आप कर रहे हैं लेकिन इसकी वजह से जो आप मिस कर रहे हैं, क्या चीज़ मिस कर रहे हैं, ये सारे काम एक साथ नहीं कर सकते। तो मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से आपने कहा कि फैमिली टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप मिस कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं करते तो आप फैमिली टाइम पे आते, क्यों, क्योंकि इसकी मॉनेटरी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, सिर्फ मोनेटाइज उसकी वैल्यू की आसानी के लिए किया गया। तो हुआ क्या कि फॉरगॉन वैल्यू ऑफ
ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, कि अगर आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, वो जो वैल्यू आप मिस कर रहे हैं ना, वो कहलाती है क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इन वैल्यू के हिसाब से, वैसे हो तो कुछ भी सकती है, ये तो मोनेटाइज सिर्फ एक वैल्यू दिखाने के लिए है, क्योंकि किसी को लेजर पसंद होगा, किसी को फैमिली टाइम, हर एक की अपनी अपनी वैल्यू है। वो तो हमने उसको 500 दे दिया ना, कोई उसी को 10,000 दे दे, भाई लेजर सबसे आसान है, सोना है भाई, सोने के अलावा कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है। उसकी नेक्स्ट बेस्ट ये बन जाएगा, किसी का नेक्स्ट बेस्ट ये बन जाएगा। हमारी दी हुई मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से जो नेक्स्ट बेस्ट चीज नजर आ रही है, वो नजर आ रही है फैमिली टाइम। तो इसका मतलब फॉरगॉन वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, तो इस चार्ट के हिसाब से वॉचिंग वीडियो का जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है, वो है आपके पास फैमिली टाइम। तो वॉचिंग वीडियो की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनी, वो बनी है फैमिली टाइम। जो बच्चा गलती करता है वो क्या करता है कि कभी कभार उसको ये सारा डेटा गिवन होता है ना, वो बोलता है अच्छा ये कर रहा हूँ, ये सब नहीं कर पा रहा हूँ, इन सबको क्या कर लेता है, ऐड कर देता है, बोलता है ये सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि जब आप इन सबको ऐड कर देंगे तो ऐड करने का मतलब ये होगी ये सारी चीज़ें आप एक साथ यूटिलाइज नहीं कर सकते थे। तो इसलिए आंसर डेफिनेशन देखें, फॉरगॉन वैल्यू, सारी फॉरगॉन वैल्यू नहीं, फॉरगॉन वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, तो इन सब में से बेस्ट ये है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वॉचिंग वीडियो की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो आप बोलेंगे फैमिली टाइम एंड द मॉनेटरी वैल्यू इज 2000। तो आई होप कॉस्ट थ्योरी का जो इंट्रोडक्शन है, कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर क्लिक करें।